स्पीटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनोजेन एज वेल एज हेप्टेन के बारे में। दिस विल बी द लेक्चर नंबर 2। इससे पहले एक और लेक्चर आ चुका है तो मेक श्योर आपने उसे भी देख लिया हो, तभी इसके बाद जो है ये वाला लेक्चर आपको समझ में आएगा। ओके सो लेट्स प्रोसीड। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि एंटीजन्स क्या होते हैं, यानी कोई भी ऐसे फॉरेन मॉलिक्यूल्स जो कि हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकते हैं, ऐसे सब्सटेंस को या फैक्टर को हम एंटीजन कह रहे थे। ओके साथ ही साथ हमने देखा था कि इम्यूनोजेन के केस में कि इम्यूनोजेंस क्या होते हैं, तो हमने ये देखा था कि इम्यूनोजेंस आर द टाइप ऑफ एंटीजन। एंटीजन के लिए हम शॉर्टकट में एजी लिखते हैं, ठीक है। सो इम्यूनोजेंस आर द टाइप ऑफ एंटीजेंस जो कि क्या कर रहे थे, जो कि बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवा रहे थे। तो ऐसे सारे एंटीजेंस जो कि बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाते हैं उन्हें हम इम्यूनोजेंस कहते हैं। फाइन, तो अब ये इम्यूनोजेन एंड हेप्टेन का क्या केस है, तो मैं आपको थोड़ा सा एक फ्लैशबैक में लेके चलती हूँ जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था और उसी के बाद हम चीजों को कनेक्ट कर लेंगे। हमने ये कहा था कि एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा सकते हैं, ठीक है, यानी दे कैन ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, नॉट दे विल। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हर एक एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाए, यानी इम्यून रिस्पॉन्स को हमारी बॉडी में करवाए। जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को करवाते हैं उन्हें ही हम इम्यूनोजेन कह रहे थे। तो हम क्या करते हैं, हम इस ढंग से डिवाइड करते हैं कि मान लीजिए दिस इज अ एंटीजन, ठीक है, और ये एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करवा रहा है। व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट में IR लिख रही हूँ, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, यानी कोई चीज हमारी बॉडी में एंटर की है तो हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करवा देगी और वो सेल्स सक्सेसफुली एक्टिवेट होके हमारी बॉडी में काम करने लगेंगे ताकि उस पैथोजन को या उस एंटीजन को बॉडी से निकाला जा सके। दैट इज व्हाट कॉल्ड द सक्सेसफुल इम्यून रिस्पॉन्स। तो जो एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस IR लिखा है, इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इम्यूनोजेंस, ठीक है, इन्हें हम इम्यूनोजेंस कहते हैं। और ऐसे एंटीजन जो कि फेल हो जाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करवा पाते हैं, दे कैन नॉट ट्रिगर द इम्यून रिस्पॉन्स, ऐसे एंटीजन्स को हम हेप्टेन का नाम देते हैं। मेक श्योर चाहे हेप्टेन हो चाहे इम्यूनोजेन हो, दोनों ही एक टाइप के एंटीजन ही है, लेकिन इम्यूनोजेन वो एंटीजन है जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवा सकता है, जबकि हेप्टेन वो एंटीजन है जो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करवा सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हो गया। ओके इस बारे में हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी लेकिन मैंने वहां पे आपको नाम नहीं बताया था, यहाँ पे मैं इसके बारे में डिटेल को कवर करूंगी। अब होता यह है कि सीधी सी बात है, अगर ये इम्यूनोजेन है यानी ये क्या कर सकता है, ये इम्यूनोजेनिक हो सकता है, ये हो सकता है इम्यूनो यानी इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा, और हेप्टेन क्या होगा, हेप्टेन होगा नॉन इम्यूनोजेनिक। ओके यानी ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करेगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हेप्टेन के पास जो उसकी साइज होती है, इसकी जो मॉलिक्यूलर साइज होती है, मॉलिक्यूलर साइज वो काफी ज्यादा स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। और कल हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर एक मॉलिक्यूल या सब्सटेंस या फिर एंटीजन इम्यूनोजेन जैसा काम करना चाहता है तो उसका मॉलिक्यूलर साइज 14 किलो डाल्टन से लेकर 600 किलो डाल्टन के बीच में होना चाहिए, लेकिन हेप्टेन जो होते हैं बहुत ज्यादा ही स्मॉल साइज के होते हैं। लगभग देखा गया कि इनकी इनकी जो साइज है वो लगभग 6 KB से भी कम की हो सकती है, इसलिए इनका मॉलिक्यूलर साइज जो है वो काफी ज्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इम्यूनोजेनिक नहीं हो पाते हैं। क्योंकि जितने भी हमने प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में एंटीजेंस के बारे में डिस्कस की थी वो सारी प्रॉपर्टी एक सब्सटेंस के पास अगर होगी तभी वो इम्यूनोजेन कहलाएगा, अदरवाइज वो जो है हेप्टेन की तरह ही काम करेगा और वो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करवा पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं इम्यूनोजेन के बारे में, तो इनका मॉलिक्यूलर साइज जो देखा जाता है वो लगभग, जैसे कि कल बताया था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, 14 किलो डाल्टन से लेकर 600 किलो डाल्टन तक हो सकता है, KDA तक हो सकता है, एंड दैट इज वाई दे आर आइडियल इम्यूनोजेंस। ओके साथ ही साथ देखा गया है कि अगर हेप्टेन, मान लेते हैं इम्यूनोजेन के बारे में मैंने आपको कल ये भी केस बताया था कि ये जो है अगर प्रोटीन नेचर के होते हैं,
नेचर के होते हैं, तो ये काफी ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं एज कंपेयर टू दी पॉलीसेकेराइड, राइट। ये हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। अब मैं आपको हेप्टेन के बारे में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ। देखिए हेप्टेन क्या होता है, अगर अकेले प्रेजेंट है, खाली अगर हेप्टेन प्रेजेंट है, तो ये किसी भी एंगल से इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करवाएगा। नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो इम्यून रिस्पॉन्स, यानी आप किसी सेल में या किसी ऑर्गेनिज्म में, इट में भी माइस, इट में भी रैबिट, अगर उसमें आप हेप्टेन को इंजेक्ट कर देते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स नहीं देखा जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह भी देखा गया है कि इन केस अगर हम हेप्टेन को किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बना दें, कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन क्यों कह रखा है, क्योंकि इसका नेचर प्रोटीन होगा और ये हेप्टेन को कैरी करके रखेगा, ठीक है। तो अगर हेप्टेन को हमने किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन कर दिया या कॉम्प्लेक्स बना दिया, और उसके बाद हम ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, मतलब इनके इनके आपस में मिलने की वजह से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा या कॉन्जुगेट जो बनेगा, जब आप उसे किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट करते हो, इट मे बी माइस, इट मे बी रैबिट, तब देखा जाएगा कि यस देर विल बी अ इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तब इम्यून रिस्पॉन्स देखा जा सकता है। बट इन जनरल खाली हेप्टेन का नाम अगर देखा जाए तो वो किसी भी तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं करवा सकता है, लेकिन अगर हमने उसको कॉम्प्लेक्स कर दिया किसी कैरियर प्रोटीन के साथ, तो वो मेक श्योर यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा दे रहा है, मतलब कि क्या हो गया, इसमें हम ये लिख सकते हैं कि नाउ दिस कॉम्प्लेक्स इज एक्टिंग एज अ इम्यूनोजेनिक कंपाउंड, राइट, इम्यूनोजेनिक कंपाउंड, ओके। सो आई होप ये जो बेसिक हमने कवर किया कि इम्यूनोजेन एंड हेप्टेन में क्या डिफरेंस है, ये आपको अब क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, लाइक दो इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उसको भी जरा समझना बहुत जरूरी है। पहला टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिसिटी, और दूसरा होता है इम्यूनोजेनिसिटी। ये दोनों टर्म का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एंटीजेनिसिटी, तो जरा सा ध्यान से समझिएगा इसको, तभी आपको जो है अच्छे से जानने को मिलेगा कि ये होता क्या है। देखिए एंटीजेनिसिटी नाम से पता चल रहा है किसी ना किसी तरीके से एंटीजेन से रिलेटेड है, राइट, एंटीजेन से रिलेटेड है। तो होता ये है कि मान लीजिए कि कोई एंटीजन बॉडी में एंटर किया, सपोज करते हैं दिस इज अ एंटीजन, ओके, और हुआ ये कि इसके अंदर एंटर करते ही बॉडी में जो इम्यून सेल्स थे, इम्यून सेल्स, उन्होंने क्या किया, इम्यून सेल्स ने खुद को एक्टिवेट किया, और उसके बाद जाकर वो इम्यून सेल्स जाकर जो है इस एंटीजन से बाइंड हो गई, ठीक है, देर इज अ बाइंडिंग, बाइंड हो गई या फिर इंट्रैक्ट करने लगी। लेकिन इस एंटीजन से, ये जो एंटीजन यहाँ पे आए हैं, इससे इम्यून सेल्स के बाइंड करने के बावजूद या इम्यून सेल से जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इट मे बी इम्यून सेल्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो जो इम्यून सेल से प्रोड्यूस किया हुआ फैक्टर जो कि एंटीजन को अफेक्ट कर सकता था, तो वो इम्यून सेल से प्रोड्यूस किया हुआ प्रोडक्ट जाकर एंटीजन से बाइंड करता है। बट देखने को क्या मिलता है कि यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है, नो इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये कहलाता है एंटीजेनिसिटी, कि एंटीजन आया, इम्यून सेल का प्रोडक्ट जो है वो जाकर एंटीजन से बाइंड भी किया, लेकिन किसी भी तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हुआ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो एंटीजन है इसके पास क्या है, ये जो एंटीजन है या ये जो सब्सटेंस है, इसे हम एंटीजेनिक सब्सटेंस कह सकते हैं, इसको इसके लिए हम एंटीजेनिक वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये बोलेंगे कि दिस एंटीजन, इट मे बी एनीथिंग, दिस इज एंटीजेनिक इन नेचर बट नॉट इम्यूनोजेनिक। क्यों? क्योंकि इम्यूनोजेनिक या इम्यूनोजेंस हम उसी के साथ वर्ड को जोड़ते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाता है, लेकिन यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फैक्टर है या ये जो एंटीजन है ये एंटीजेनिक है, ये एंटीजेनिसिटी शो कर रहा है बट ये इम्यूनोजेनिक नहीं है,
ओके देखिए, ये सारे टर्म ना बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो वेरी ऑब्वियस कंसेप्ट क्लियरिटी नहीं होगी, इसलिए मैं इसको इतना स्लो बेसिस पे आपको समझा रही हूँ। तो अगर हम इसका डेफिनेशन लिखना चाहें कि एंटीजेनिसिटी क्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ एनी सब्सटेंस टू बाइंड टू स्पेसिफिकली टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू बाइंड टू द प्रोडक्ट ऑफ एन इम्यून रिस्पॉन्स और सेल्स इज कॉल्ड इज नोन एज और इज कॉल्ड एज एंटीजेनिसिटी। यानी ये कैपेबिलिटी होती है, राइट? हम अगर कहना चाहें तो एक्चुअली इट इज द एबिलिटी, ये एक कैपेबिलिटी होती है एक एंटीजन या फिर एक सब्सटेंस की, ताकि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इम्यून सेल्स या इम्यून रिस्पॉन्स से, उससे जाकर जो है बाइंड करने की। ठीक है, तो इट इज द एबिलिटी टू बाइंड, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो एंटीजेनिसिटी हमेशा हमें एंटीजेंस के केस में देखने को मिल सकती है, हेप्टेन के केस में देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी का मतलब क्या हुआ फिर? यहां पर हम दोनों को लिख लेते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी इसको भी डायग्राम की हेल्प से समझते हैं ताकि कंपेयर करना भी आसान हो और आपके लिए समझना भी। तो इम्यूनोजेनिसिटी में क्या होता है, यहां पर एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ही रहेगा लेकिन मेक श्योर ये एंटीजन इम्यूनोजेन होता है, ठीक है, और हेंस वी कॉल इट एज अ इम्यूनोजेनिक, इम्यूनोजेनिक। ओके, तो हुआ क्या कि ये जो एंटीजन है, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं, ये एक बना लेते हैं हम यहाँ पे, ये रहे एंटीजेंस, लेकिन ये एंटीजेंस इम्यूनोजेन है नेचर में एंटीजन, और यहां से जो इम्यून सेल्स आए इनका कोई प्रोडक्ट, मेनली प्रोडक्ट जब हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हम मेनली कह रहे होते हैं कि मान लीजिए कोई इम्यून सेल्स है तो वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, इट मे बी इवन एंटीबॉडीज ऑल्सो। प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होने के बाद एंटीबॉडीज भी बनती हैं। तो अभी मैं उन सारे टर्म्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैंने एंटीबॉडी तक मैं पहुंची नहीं हूँ, तो माइट बी जो नए नए स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं उनके लिए कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए मैं प्रोडक्ट का नाम यहाँ नहीं लिख रही हूँ। लेकिन वन बाय वन जैसे जैसे हम थोड़ा एडवांस लेवल पे डील करते जाएंगे, आपको ये चीजें समझ में आती जाएंगी, तब मैं स्पेसिफिक नाम यूज करना शुरू कर दूँ, क्योंकि अभी भी हम पूरा बेसिक से डील कर रहे हैं। तो मान लीजिए इम्यून सेल से उसका कोई प्रोडक्ट है, इट मे बी एंटीबॉडी, ठीक है, वो क्या करेगा, वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इम्यून रिस्पॉन्स बनेगा और इसे ही हम कहेंगे दैट इज इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है। तो अगर हम कहना चाहें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, इट इज द एबिलिटी एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, सिंपल। और ऊपर वाले में हमने क्या कहा था, ऊपर वाले में हमने ये कहा था कि ये एबिलिटी नहीं हो, मतलब कि ये जो एबिलिटी होती है उसमें किसी भी तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट होता है, या तो पहले से इम्यून रिस्पॉन्स जो क्रिएट हो रखा है उसके किसी प्रोडक्ट से बाइंड किया जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे भी बाइंड करके, लेकिन यहाँ पे उस एंटीजन के बाइंड करने की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो इस ढंग से जो है दोनों का डेफिनेशन होप क्लियर हो गया होगा, और जो सब्सटेंस इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवाता है उसे हम इम्यूनोजेनिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमने तीन चार टर्म देखे हैं, एंटीजेनिसिटी, एंटीजेनिक, इम्यूनोजेनिसिटी, इम्यूनोजेनिक। तो यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हेप्टेन के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, हेप्टेन के पास इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, एप्टेन सॉरी हेप्टेन इज एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक, राइट? हेप्टेन के लिए हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं कि हेप्टेन जो है एंटीजेनिक है,
बट नॉट इम्यूनोजेनिक, बट नॉट इम्यूनोजेनिक। होप इट इज क्लियर। इम्यूनोजेनिक नहीं है लेकिन एंटीजेनिक है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टी है उसके पास। वो इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून सेल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उससे जाकर बाइंड कर सकता है, लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स खुद क्रिएट नहीं कर सकता है। लेकिन इम्यूनोजेनिक कंपाउंड या इम्यूनोजेंस के पास ये कैपेबिलिटी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हेप्टेन से जो मैं रिलेट करना चाहती थी, एक्चुअल में ये कंसेप्ट बताने के पीछे मेरा यही इंटेंशन था कि मैं आपको बता सकूं कि एक्चुअल में इनका रिलेशन हेप्टेन के साथ क्या होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा हेप्टेन के साथ रिलेशन कि हेप्टेन एंटीजेनिक है बट इम्यूनोजेनिक नहीं। ओके, सो होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, व्हाट इज एंटीजेनिक, व्हाट इज इम्यूनोजेनिक। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकली चलते हैं कि चीजें कैसे काम करते हैं, ये हेप्टेन्स एक्चुअल में क्या होते हैं, थोड़े से इनके ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, सो अ स्मॉल मॉलिक्यूल, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं विच व्हेन कंबाइंड विद द लार्ज कैरियर सच एज द प्रोटीन कैन एलिसिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज विच बाइंड स्पेसिफिकली टू इट। तो होता यह है कि कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि किसी कैरियर प्रोटीन के साथ कंबाइन होके एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा सकते हैं, यानी सीधी सी बात है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम हेप्टेन कहेंगे। दे आर एंटीजेनिक, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है दे आर एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक। वो एंटीजेनिक होते हैं लेकिन इम्यूनोजेनिक नहीं होते, इसलिए आपको पहले मैंने एंटीजेनिक एंड इम्यूनोजेनिक का कंसेप्ट समझाया। दे आर लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, काफी ज्यादा लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं वो। हेप्टेन आर टू स्मॉल टू बी कंप्लीट एंटीजन। तो हेप्टेन इतना ज्यादा छोटा होता है मॉलिक्यूलर साइज में कि वो एज अ कंप्लीट एंटीजन काम नहीं कर पाता है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू रेज द हेप्टेन स्पेसिफिक एंटीबॉडी द मॉइटी इज केमिकली कपल टू द हाईली इम्यूनोजेनिक कैरियर प्रोटीन दैट कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ एपिटोस फॉर द बी एंड द टी सेल्स। तो यहाँ पे देखिए बोला क्या, यहाँ पे थोड़े से भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। होता यह है कि हेप्टेन जो है काफी ज्यादा मॉलिक्यूलर साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है, तो इसीलिए उसको कंबाइन कर दिया जाता है किसी कैरियर प्रोटीन के साथ। वो कैरियर प्रोटीन अपने आप में काफी इम्यूनोजेनिक होता है, जिस प्रोटीन के साथ हम इसको कंबाइन कर रहे हैं वो प्रोटीन अकेले भी काफी ज्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। तो सीधी सी बात है जब हेप्टेन उसके साथ कंबाइन करेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो एज अ टोटल इम्यूनोजेनिक ही रिगार्ड होगा। तो जब वो कैरियर प्रोटीन के साथ हेप्टेन आकर मिलता है तो वो एक इम्यूनोजेनिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की तरह काम करने लगता है, और जो कैरियर प्रोटीन यहाँ पे लिया गया है उसके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बी एंड टी सेल को ट्रिगर करके एक्टिवेट करवा सके, यानी सिंपल सी भाषा में कहें तो इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करवा सके या ट्रिगर करवा सके। ठीक है, तो अभी ये सारी कहानियां मैं कुछ एग्जाम्पल भी लेकर आपको बताऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर एक researchgate.net वेबसाइट से जो है मैंने एक यहाँ पे आर्टिकल लिया है जिसके अकॉर्डिंग देखा गया है कि जो हेप्टेन का यहाँ पे एक रफ एस्टिमेशन लिया गया है, हेप्टेन का लगभग नंबर इतना लिया गया है। ठीक है, यानी मतलब देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हेप्टेन्स। अब ये हेप्टेन्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे कि हेप्टेन की अगर हम बात करते हैं, वेट अ मिनट, तो हेप्टेन पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, पेस्टिसाइड की कैटेगरी में भी आ सकते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड्स की कैटेगरी में आ सकते हैं, वो टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं, ड्रग, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स, नार्कोटिक्स, इन सब की कैटेगरी में हेप्टेन्स आ सकते हैं, हार्मोन, ऑक्सिन, फाइटोएस्ट्रोजन, इसके अलावा सिंथेटिक एंड नेचुरल पेप्टाइड्स हो गया, विटामिन्स हो गया एंड डाइज हो गए, एक्सप्लोजिव हो गए, और भी बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो कि हेप्टेन की कैटेगरी में आ सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई पेस्टिसाइड है तो वो हेप्टेन नहीं कहलाएगा, क्योंकि देखिए हम डे टू डे लाइफ में कितनी सब चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, तो क्या उसके थ्रू हमारी बॉडी में कुछ एंटीजेंस एंटर नहीं करते होंगे? वेरी ऑब्वियस एंटर करते होंगे, लेकिन वो एंटीजेंस इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, दे आर समहाउ ओनली एंटीजेनिक, और कुछ खास तरीके से वो इम्यून रिस्पॉन्स भी नहीं क्रिएट करवाते हैं। तो वो हेप्टेन फॉर्म में बॉडी में आते तो हैं लेकिन हमारे मतलब हमारे लिए वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिंग एज अ कंप्लीट एंटीजन। उनके पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं होती है कि हाँ वो एक एंटी एक इम्यूनोजेन की तरह काम कर सके और हमें बीमार कर सके। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, राइट। तो अगर हम बात करते हैं हेप्टेन की, ओके, अगर हेप्टेन अकेला अगर प्रेजेंट है, ओनली हेप्टेन अगर प्रेजेंट है, ओनली हेप्टेन, तो हम इसे इनकम्प्लीट एंटीजन कहते हैं, इट इज इनकम्प्लीट एंटीजन, और इसीलिए ये कभी भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करवा पाता है। ओके,
नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन जब यही हेप्टेन प्रोटीन के साथ कॉन्जुगेट कर जाता है, हेप्टेन प्रोटीन कॉन्जुगेट बना लेता है, तब ये अब कंप्लीट एंटीजन कहलाने लगता है। एंड कंप्लीट एंटीजन इज वेरी ऑब्वियस इम्यूनोजेनिक। एंड इफ दे आर इम्यूनोजेनिक, वो क्या कर सकते हैं, इम्यून रेस्पॉन्स ट्रिगर करवा सकते हैं। तो ये है कहानी हेप्टेन की। इन जनरल हेप्टेन को हम इनकम्प्लीट एंटीजन ही कहते हैं, लेकिन जब वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है तब वो कंप्लीट एंटीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये एक रफ आइडिया मिल गया आपको। ओके, तो यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू बहुत सी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो दैट इज वॉट मेंशन हियर, अ हेप्टेन इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। That is, it may be drug, it may be a drug metabolite that covalently bind to the larger protein, thereby altering its structure or chemical composition. तो जरा सा हम कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, सबसे पहले तो हमें अभी तक ये चीज समझ में आ गई कि हेप्टेन क्या है। हेप्टेन एक एंटीजन की तरह काम कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट बहुत छोटा होने के कारण वो हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर नहीं करवा पाता है। तो होता क्या है, हमने एक यहाँ पर रैबिट ले लिया है, इस पे हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि अगर मैं रैबिट की बॉडी में अगर सिर्फ हेप्टेन को इंजेक्ट करती हूँ, किसी भी हेप्टेन को इंजेक्ट करती हूँ, तो मैं ये देखूंगी कि इसकी बॉडी में नो इम्यून रिस्पॉन्स, नो आईआर। ठीक है, नो आईआर हो या मतलब कि कहने का मतलब ये हुआ, इसकी बॉडी में सीधी सी बात है हेप्टेन के खिलाफ या फिर कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का या इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। लेकिन जब हेप्टेन बॉडी बॉडी में एंटर करता है तो कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होता और हम कहते हैं नो एंटीबॉडी फॉर्म्ड, नो एंटीबॉडी फॉर्म्ड। एंटीबॉडी के लिए मैंने ए बी लिखा है, ठीक है, सब शॉर्टकट्स होते हैं। एंटीजन के लिए ए जी लिख सकते हो आप, एंटीबॉडी के लिए ए बी लिख सकते हो, नो एंटीबॉडी एंटीबॉडी फॉर्म। नेक्स्ट मैंने क्या किया, नेक्स्ट ये देखा जाता है कि अगर आप इसकी बॉडी में, ठीक है, अगर आप इसकी बॉडी में सेकेंड टाइम हेप्टेन को, हेप्टेन प्लस जो यहाँ पे प्रोटीन कैरियर था, कैरियर प्रोटीन जिसको कि हम ले रहे हैं, कैरियर प्रोटीन कॉन्जुगेट लिखते हैं हम, यानी एक साथ इनको कंबाइन कर दिया है। कॉन्जुगेट को अगर आप एंटर करोगे तो आप देखोगे कि यस, बॉडी में जो है इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया है। ठीक है, एंड बॉडी में एंटीबॉडीज भी मिल रही हैं, एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट है, यानी ये जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स एंटर हुआ है उसके खिलाफ एंटीबॉडी भी इस रैबिट की बॉडी में बनते हुए दिखेंगे। इतने ही नहीं, अगर खाली इसकी बॉडी में अगर आप कैरियर प्रोटीन को भी इंजेक्ट करते हो, ओनली कैरियर प्रोटीन, तो भी इसकी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को शो करेगी। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन होता है वो भी अपने आप में यहाँ पे इम्यूनोजेनिक होता है। तो हेप्टेन एज बिकॉज इम्यूनोजेनिक नहीं है तो उसको किया क्या जाता है कि किसी प्रोटीन के साथ कंबाइन करके उसको हम इम्यूनोजेनिक बना देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ हेप्टेन, ठीक है, ये हमने हेप्टेन ले लिया, दीज आर हेप्टेन्स। जब तक ये अकेले प्रेजेंट है आप इंजेक्ट कर लीजिए, किसी भी तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक कैरियर प्रोटीन ले लिया कुछ इस तरीके का, दिस इज अ कैरियर प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, और आपने इन दोनों को आपस में कॉन्जुगेट कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो एज अ रिजल्ट देखने को क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलेगा। जो हमें कॉन्जुगेट ऑप्टेंड होगा वो काफी ज्यादा फंक्शनल होगा। कैसे होगा, वैसे तो अकेले भी फंक्शनल है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हम यहाँ पर हेप्टेन को फंक्शनल बनाना चाहते हैं, तो हेप्टेन यहाँ ज्वाइन कर गया, ठीक है, ऐसे करके ज्वाइन कर गया। अब ये जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रेडी हुआ है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे हेप्टेन कैरियर प्रोटीन, प्रोटीन कॉन्जुगेट। अब जब आप इसको एंटर करोगे या इसको जब इंजेक्ट करवाओगे आप रैबिट के अंदर, रैबिट के अंदर आपने इसको इंजेक्ट कर दिया,
तब आपको इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होता हुआ दिखेगा। हाँ एंड वेरी ऑब्वियस, अगर इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट हो रहा है और हमने देखा था कि ये जो कैरियर प्रोटीन है इट वॉज कैपेबल टू इंड्यूस बी सेल, ठीक है, जो कि इम्यून सिस्टम का पार्ट है, एंड टी सेल, दोनों को ही ट्रिगर करने में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। हेंस देखने को ये मिलेगा कि इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक आप कह सकते हो कि एक एग्जाम्पल था जिसके थ्रू हमने समझा कि चीजें कैसे काम कर रही हैं। ठीक है, अब हम जरा सा एक्चुअल एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि हेप्टेन का एग्जाम्पल और क्या हो सकता है, कैरियर प्रोटीन यहाँ पर और क्या हो सकती है। तो हम उसका भी एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि ये काम कैसे कर रही है। अब मैंने आपके सामने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं हेप्टेन्स के, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी आपको कैटेगरी वाइज भी बताया था, लेकिन इस तरीके से भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, सोलली एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल पहला हो गया डीएनपी, जिसे हम 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल कहते हैं। ये एक टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हेप्टेन की तरह काम करता है, यानी अकेला अगर बॉडी में इंजेक्ट हुआ या बॉडी में एंटर हुआ तो ये किसी भी तरीके से इम्यूनोजेनिक रिएक्शन नहीं करवाता है बॉडी में। नेक्स्ट हो गया फ्लूरोसिन, जो कि एक फ्लूरोसेंट डाई होता है। थर्ड इज हाइड्राल्जिन, जो कि एक ब्लड प्रेशर को लोअर करने वाला एक तरीके से ड्रग की तरह लिया जाता है। फोर्थ इज पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक की तरह लिया जाता है। वारफिन, जो कि एक टाइप का मेडिसिन है जो एंटी कॉगुलेंट या फिर ब्लड थिनर की तरह इस्तेमाल होता है। ये सब मेडिसिन की तरह इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हो गया अमाइनो बेंजीन, या फिर आप कह सकते हो इसको अमाइनो बेंजोइक एसिड। ये सारे जो एग्जाम्पल हो गए वो एक टाइप के एग्जाम्पल है हेप्टेन के। इतना ही नहीं है, देर आर सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ हेप्टेन्स जिसका मैंने अभी आपको एग्जाम्पल्स दिखाया था। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं गिने चुने। अब अगर हम बात करते हैं कैरियर प्रोटीन की, तो कैरियर प्रोटीन कौन कौन से हो सकते हैं। एक कैरियर प्रोटीन को हमने नाम दिया है बी एस ए, दैट इज बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसकी साइज कितनी है, 6,600 डाल्टन, यानी 66 KDa मॉलिक्यूलर वेट है इसका। अब सीधी सी बात है, 6,600 डाल्टन कह लीजिए, 66 किलो डाल्टन कह लीजिए, इतना मॉलिक्यूलर वेट है इसका, तो वेरी ऑब्वियस इट विल बी अ हाईली इम्यूनोजेनिक, क्योंकि हमने यही देखा था कि 14 KDa से लेकर, ठीक है, 14 KDa से लेकर 600 KDa तक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर हाईली इम्यूनोजेनिक। ओके, तो हाईली इम्यूनोजेनिक है तो वेरी ऑब्वियस ये किसी भी तरीके से इम्यूनोजेनिक रिएक्शन करवाएंगे ही करवाएंगे। इसलिए कहा गया था कि जो भी कैरियर प्रोटीन यूज होता है वो अकेले भी अगर आप उसको इस्तेमाल करते हो तो भी वो इम्यूनोजेनिक होगा। तो जैसे कि पहला हो गया बीएसए, बोविन सीरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, ये मेनली देखने को मिलता है काउ के अंदर, और ये एक टाइप का ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जिसका बहुत ही अलग अलग बेसिस पे बायोकेमिकल एप्लीकेशन देखा गया है। इसको हम कैरियर प्रोटीन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड होता है KLH, जिसे हम बोलते हैं की होल लिम्पेट हेमोसाइनिन, जो कि एक इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। तो आपको बहुत बार देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि KLH मेंशन किया गया है। अब KLH अगर आपको पता ही नहीं है क्या होता है तो आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। तो पहले तो याद रखना है कि KLH एक टाइप का प्रोटीन होता है, मेनली इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है, यानी वेरी ऑब्वियस इट कैन एक्ट एज अ इम्यूनोजेन, फाइन। तो देखा ये गया है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत अच्छे कैरियर की तरह रिगार्ड करते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन भी बहुत सारे हैं। देखिए, प्रोटीन होगा तो आपको पता है प्रोटीन बहुत ही अच्छा एक एंटीजन या फिर इम्यूनोजेन की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए हम कैरियर प्रोटीन लेते हैं कि कुछ भी करके अगर हम हेप्टेन का इस्तेमाल कर रहे हैं या हेप्टेन बॉडी में एंटर किया है और वो कॉन्जुगेट है प्रोटीन के साथ, तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करवाएगा ही। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम जरा सा प्रैक्टिकल बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें हम अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं, दिस इज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, हमने क्या किया, एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम डीएनपी, ठीक है, डीएनपी ले लेते हैं हम हेप्टेन के केस में, और हम कैरियर प्रोटीन के केस में ले लेते हैं बीएसए। ओके, हमने ये वाला काम किया है, हमने ये लिया है, एक इसको ले लिया है हेप्टेन को और कैरियर प्रोटीन में बीएसए को ले लिया है। अब इसी के बेसिस पे हम ये चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि दिस इज दी हेप्टेन और दिस इज दी कैरियर प्रोटीन, ठीक है, दिस इज दी कैरियर प्रोटीन। अब पहले एक्सपेरिमेंट में क्या किया, मैंने इस पर्टिकुलर रैबिट के अंदर सिर्फ डीएनपी को इंजेक्ट किया, डीएनपी इंजेक्टेड, तो देखने को ये मिला कि नो एंटीबॉडीज फाउंड, नो एंटीबॉडीज फाउंड, यानी एंटीबॉडी के लिए एंटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है शॉर्टकट में। तो जो एंटी होता है, नो एंटी डीएनपी, यानी डीएनपी के खिलाफ कोई भी एंटीबॉडी नहीं देखी गई, नो एंटी डीएनपी।
नेक्स्ट क्या किया गया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हमने फिर से क्या किया, एक सेकेंड रैबिट को हम लेते हैं यहाँ पे। इसके अंदर ये देखा गया कि सबसे पहले इसमें इंजेक्ट किया गया डीएनपी एंड प्रोटीन कॉन्जुगेट। इसको ऐड किया गया, यानी डीएनपी और प्रोटीन को एक साथ कंबाइन करके तब इसके अंदर इंजेक्ट किया गया। अब देखने को क्या मिला, इसने हमें तीन रिजल्ट दिए, ठीक है, तीन टाइप के रिजल्ट दिए। कौन कौन से रिजल्ट दिए दिए हमें, जरा देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए तो इस सेकेंड जो रैबिट है उसकी बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट है, अभी हेप्टेन भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ जो कैरियर प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट है, फाइन। तो अगर अलग अलग देखा जाए तो ये भी प्रेजेंट है, साथ ही साथ ये जो कॉम्प्लेक्स बना के हमने या कॉन्जुगेट बना के इसकी बॉडी में इंजेक्ट किया है वो एक थर्ड फॉर्म प्रेजेंट है। तो देखा ये जाता है कि इस रैबिट की बॉडी में जो एंटीबॉडी मिलती है वो हमें एंटी डीएनपी भी मिलती है, यानी एंटीबॉडी डीएनपी के खिलाफ भी मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमें एंटी कैरियर प्रोटीन भी मिलता है, कैरियर प्रोटीन यानी एंटीबॉडी फॉर कैरियर प्रोटीन, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, एंटी हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट। यानी हमें तीन टाइप की एंटीबॉडीज मिली। यहां पे मैं ब्रैकेट में एंटीबॉडीज भी लिख देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यानी हमें एक एंटीबॉडीज कहां कौन सी मिली, जो कि डीएनपी के अगेंस्ट में थी, ठीक है, डीएनपी के लिए जो बनी। दूसरी एंटीबॉडीज कहां मिली, दूसरी एंटीबॉडीज हमें मिली जो कि किसके अगेंस्ट थी, कैरियर प्रोटीन के, जो कि यहां पे यूज किया गया था। और तीसरी किसके अगेंस्ट मिली, जो कि कॉन्जुगेट था। यानी भले हमने कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इस पर्टिकुलर रैबिट के अंदर जो है हमने इसको इंजेक्ट किया हो, लेकिन फिर भी हमें जो एंटीबॉडी मिली वो तीनों टाइप के लिए मिली। उसके पीछे का रीजन ये है कि सबसे पहले तो प्रोटीन अकेला भी इम्यूनोजेनिक था, तो उसके लिए तो एंटीबॉडी बननी ही थी। हेप्टेन जो कि पहले इम्यूनोजेनिक नहीं था, लेकिन कॉम्बिनेशन में आने के बाद इम्यूनोजेनिक बन गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये एक ऐसा पार्ट था जिससे हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं हो रहा था, लेकिन जब वो प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया तो वो यहाँ पे ट्रिगर हो गया, और इसलिए उसने एंटीबॉडीज भी बनवा दी। और लास्ट में जो बना है वो इन टोटल के लिए बना है, ठीक है। तो एंटी हेप्टेन कैरियर कॉन्जुगेट के लिए भी यहां पर एंटीबॉडी बनी। तो ये तीन टाइप की एंटीबॉडी हमें देखने को मिली मेनली रैबिट की बॉडी में। और ये कब हुआ, जब इस कॉन्जुगेट को इंजेक्ट किया गया। यानी सीधी सी बात है, इस कॉन्जुगेट को इसमें इंजेक्ट करने के बाद जो डीएनपी था अब वो भी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी गेन कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि डीएनपी प्लस प्रोटीन कॉन्जुगेट, यानी ये प्रोटीन कॉन्जुगेट क्या था, अगर ब्रैकेट में यहां पर लिखे तो ये है डीएनपी बीएसए कॉन्जुगेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको एंटी डीएनपी लिख सकते हो आप यहाँ पे। और अगर ब्रैकेट में और थोड़ा सा मैं डिटेल में जाऊं तो ये हो गया एंटी डीएनपी, यहाँ पे लिख दिया है, ये हो गया एंटी बीएसए, एंटी बीएसए, और ये हो गया एंटी डीएनपी बीएसए कॉन्जुगेट, ठीक है। मेक श्योर जो एंटीबॉडीज होती है ना, एंटीबॉडीज, हम उसी के लिए वर्ड एंटी लिखते हैं, और शॉर्टकट में हम इसे एबी भी लिखते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये थी कहानी हेप्टेन की, हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देखे, कुछ डायरेक्ट एग्जाम्पल भी लिया हमने डीएनपी एंड बीएसए का, जिसमें कि ये कैरियर प्रोटीन था और ये हेप्टेन था, और हमने देखा कि इसका जो डिफरेंस है वो इम्यूनोजेन से कैसे है, व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी, व्हाट इज एंटीजेनिसिटी, ये हमने सारी चीजें देख ली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हेप्टेन एंड इम्यूनोजेन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू कंसेप्ट के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, और आप जो है इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड कीप लर्निंग।